दिवाली की महाकवरेज जारी है, जहां आप पूरे जम्मू की बात करें तो हर जगह इस टाइम इतना रश और जैम पैक्ड एरिया सब जगह नजर आ रहा है। लोग जो हैं काफी मात्रा में जो है दिवाली के दिन खास करके त्योहार के मौके पर बाहर निकलते हैं, सामान खरीदारी करते हैं, अलग अलग किस्म का सामान आपको जो है लोग यहाँ पे खरीदते हुए नजर आएंगे। हम लोगों ने बार बार लोगों से अपील भी की है कि इन दिनों में खास करके ओल्ड सिटी या बाकी जो एरियाज काफी कंजेस्टेड एरियाज हैं वहां पे थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर ना लेके जाएं। करना तो ये चाहिए कि टू व्हीलर पे भी ना जाएं, आप अपने पुराने बाजार को पैदल देखें। तो फिलहाल इस टाइम हम जम्मू के, अगर हम बात करें, हम आपको ओल्ड सिटी दिखा चुके हैं, तो फिलहाल ये कि जम्मू का एक ऐसी जगह है जहां पर काफी ज्यादा रश रहता है। इस एरिया का नाम है नई बस्ती। तो नई बस्ती की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं काफी लोग जो है यहाँ पर, खास करके जम्मू में अगर दिवाली की बात करें तो काफी ज्यादा जो है भीड़ जो है नई बस्ती में रहती है। लोग जो है सामान खरीदने जो है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मार्केट लगी होती है। आप देख सकते हैं हर किस्म का सामान, अगर हम बात करें ओल्ड सिटी की तो ओल्ड सिटी में भी हर किस्म का सामान मिलता है, उसी तरह से अगर नई बस्ती की बात की जाए तो इसी तरह से सामान। चलिए आइए अब हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं मिट्टी का सामान। तो ये जो मिट्टी के दिए हैं, हम लोग बार बार आपको यही अपील कर रहे हैं और सभी लोग यही अपील करते हैं कि मिट्टी के दिए लीजिए आप, जो है अपने जो है मिट्टी का सामान यूज करना चाहिए, या फिर आप रोशनी कैंडल लीजिए जो कि जेल इनमेट्स द्वारा बनाई गई है। तो फिलहाल जम्मू की बात करें तो काफी ज्यादा लोग जो है इस टाइम मिट्टी के दिए भी जो है काफी प्रचलन है। अगर दिवाली की बात करें तो लोग खरीदते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत जो है ये जो है बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको लेना हो दिवाली में खास करके तो आप ये यहाँ पर आके ले सकते हैं। इससे आपकी जो है घर के जो है चीजों को जो है काफी जो है शोभा बढ़ती है। और इसके आगे अगर हम आपको दिखाएं तो काफी अच्छे दिए हैं, अगर लोग जो है सबसे ज्यादा डिमांड इन्हीं दियों की करते हैं। और इसके साथ काफी अच्छे ये भी जो है दिया आप देख सकते हैं, कलरफुल जो है दिया आइटम्स जो है इस टाइम मार्केट में मिल रही है। नई बस्ती की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा डिमांड इस इन डिजाइनर जो है मिट्टी के दियों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है आज भी जो है चाइनीज सामान जो है कम कर चुके हैं खरीदना। और जिस तरह से जम्मू में बात भी, हिंदुस्तान में बात भी चल रही है कि चाइनीज सामान को जो है बायकॉट करें, और फिलहाल जितना हो सके आप जो है मिट्टी का सामान खरीदें। और ये चीज़ें खास करके काफ़ी मेहनत के साथ, अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कितनी मेहनत के साथ इस दिए को बनाया गया है मिट्टी के साथ, और उसके बाद इसके ऊपर प्रॉपर पूरा रंग किया गया, कितनी मेहनत लगती है। तो फिलहाल आप ये लोगों की जो आम मेहनत है, जो स्किल्स हैं, उसके साथ जो है बनी चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए। तो फिलहाल आइए हम आपको दिखाते हैं दिवाली का रश कितना है। तो आप देख सकते हैं कि दिवाली का जो रश है इस टाइम में जम्मू की, इस टाइम हम नई बस्ती इलाके में हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान है। अगर हम बात करें तो जम्मू में बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी सामान यहाँ पे आपको जो है खरीदने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे बच्चे अगर दिवाली की शॉपिंग करने आएंगे तो पटाखों के साथ साथ उनके खेलने के लिए काफ़ी सारा सामान है, खिलौने हैं, टेडी बियर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा रश जो है इन चीज़ों का। उसके साथ साथ हम बात करें तो दिवाली पर खास करके जो है माता लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है, जिसमें कि धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और इस दिन जो है इस पूजा में जो है खास करके लोग जो है माँ लक्ष्मी जी के, माँ सरस्वती जी और गणेश जी की और रामचंद्र जी की भी तस्वीरें खरीदते हैं। खास करके अगर बात करें रामचंद्र जी की, तो रामचंद्र जी आप दिवाली के दिन ही 14 वर्ष का वनवास काट के जो है अयोध्या पहुंचे थे, और उसी दिन जो है सभी लोगों ने खुशियां मनाई थी और दीप भी जलाए थे अपने घरों में। तो इसी तरह से जो है काफी सारी चीजों की जो है शॉपिंग लोग यहाँ करने आ रहे हैं। चलिए आइए हम आपको ले चलते हैं थोड़े से पटाखों के स्टॉल पे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जहाँ पे बच्चों के लिए दिवाली का वेट इसलिए रहता है कि वो पटाखे चलाएंगे, तो छोटे छोटे पटाखे भी हैं जो छोटे छोटे बच्चों के लिए, खास करके अगर हम बात करें, ज़्यादा बड़े पटाखे नहीं चलाने चाहिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं भी चलाने चाहिए। तो फिलहाल छोटे छोटे पटाखे चलाइए, और जब भी चलाते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने माता पिता के साथ ये पटाखे चलाएं, ताकि किसी तरह की भी कोई भी हानि ना हो। तो फिलहाल हम आपको आप थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं बाजार की ओर, सैर कराते हैं। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि मोमबत्ती, जो बहुत ही लोग जो है कोशिश करते हैं मोमबत्तियों को जो है घरों में लगाते हैं, दीप जलाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, तो फिलहाल इसका भी इस टाइम जो है दिवाली के दिनों में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है खरीदा जाता है। और उसके साथ यहाँ पे जो है पटाखों के भी स्टॉल लगे हैं। चलिए आइए हम आपको पटाखे थोड़े से और दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या स्टॉल्स लगे हैं पटाखों के। तो फिलहाल थोड़ा सा और आगे चलिए तो फिलहाल काफ़ी सारे पटाखे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं तरह तरह के रॉकेट्स हैं, जो कि काफ़ी खुश होते हैं लोग, तरह तरह के जो है स्टार्स हैं, शॉट्स
शॉर्ट्स हैं और गंगा जमुना, ये मुझे भी, मेरे को भी बहुत ही पसंद था ये एक टाइम पे, अभी तो टाइम ही नहीं मिल पाया चलाने का। तो फिलहाल गंगा जमुना और ये काफ़ी सारे एटम बम्स हैं, छोटे छोटे ग्रेनेड्स हैं, लोग बच्चे जो हैं खास करके धमाके वाले जो लोग इन पटाखों को चलाना चलाते हैं तो वो चलाते हैं। लेकिन एक बार बार अपील यही है लोगों से कि जब भी वो बच्चे खास करके जब पटाखे चलाएं तो ज़रूर जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने लोगों को, अपने भाई बहन जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ चलाएं, अकेले ना चलाएं ताकि किसी भी तरह की जो है हानि ना हो सके। तो फिलहाल ज़्यादा अगर बात करें इस टाइम जम्मू मार्केट की, तो कहीं ना कहीं चाहे GST ने मार्केट में काफ़ी जो है इफेक्ट किया है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं GST के चलते भी जो है काफ़ी सारा सामान की खरीदारी यहाँ पे ज़रूर कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर बात करें मिट्टी के सामान की, तो मिट्टी के दिए, मिट्टी का सामान काफ़ी ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं जो मिल रहा है, लोग ज़्यादा जो है मिट्टी का सामान खरीदने में भी व्यस्त हैं। अरे हम आपको दिखाते हैं कि काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइनर छोटा सा दिया बनाया है मिट्टी में, देख सकते हैं कितनी अच्छी मेहनत है, गणेश जी की आकृति में बनाया है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है इस चीज़ की। तो लोग काफ़ी जो है ये सामान भी खरीद रहे हैं, क्योंकि चाइनीज सामान की बायकॉट की जो है, जिस तरह से सब लोग यही कहते हैं कि चाइनीज सामान को जो है बायकॉट किया जाए, तो फिलहाल मिट्टी का सामान काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट में इस टाइम जो है खरीदा जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टॉल मार्केट में लगे हुए हैं और तरह तरह के लोग जो हैं चीज़ें खास करके अगर बात करें तो खरीदते हैं दिवाली के दिनों में अपने घर को जो है और खूबसूरत बनाने के लिए। या आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है सामान है इस टाइम मिल रहा है, तो लोग अपने घरों में इस तरह की चीज़ें लगाते हैं और उसके बाद जो है सामान लेके जो है दिवाली अपनी बड़ी खूब तरीके से मनाई जाती है। तो फिलहाल अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो पूरी सिक्योरिटी जो है खास करके बाज़ारों में भी रखी गई है ताकि किसी भी तरह की जो है कोई भी हानि, किसी भी तरह की कोई भी जो है प्रॉब्लम लोगों को ना फेस करनी पड़े। लेकिन फिर भी लोगों से यही अपील है कि आप लोग 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स लेके ना मार्केट में आए, पैदल इस मार्केट का मज़ा लें, इन सामान का मज़ा जो है पैदल लें, ज़्यादातर जो है पैदल लोग आएँ और इस मार्केट को देखें। फिलहाल 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर से ज़्यादा परेशानी जो है आम लोगों को ही आती है। लोग आप देख सकते हैं काफ़ी खुश हैं दिवाली पे, अगर बात करें दिवाली पे बात करने के लिए भी कुछ लोग हैं, हम लोग दिवाली की कवरेज कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अजीत पाल सिंह। दिवाली पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर दिवाली पे खाओ पियो ऐश करो जी, लेकिन सर खाओ पियो ऐश करो, एंजॉय करो, किसी को तंग नहीं करो। सर एक मैसेज आपकी तरफ से चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है पटाखे वगैरह चलाते हैं, तो फैमिली के बाद को भी बोलना चाहिए कि उनके साथ रहे ताकि हाथ वगैरह ना चले। हमेशा फैमिली को कंपनी करना ही चाहिए, बिकॉज बच्चे छोटे हैं उनको नहीं पता चलता, फायर क्रैकर से हाथ वगैरह जलने का डर रहता है, तो बच्चे मतलब फैमिली जैसे जो होते हैं ना छोटे मोटे पटाखे, बच्चे अगर फैमिली साथ में रहते हैं तो अच्छी बात है, अपने बच्चे ना सर सेफ्टी उनके अपने हाथ में। तो दिवाली की कोई शुभकामनाएं पंजाबी जो है सर, सारे नु मेरे वालों दिवाली ने वड़ी वड़ी खुश ने शुभकामनाएं और सारे अपने मस्त रहन, एंजॉय करें, किसी नु हर्ट ना करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो फिलहाल काफी ज्यादा धूम मची हुई है अगर बात करें दिवाली की, तो दिवाली की धूम में अगर बात करें पूरे जम्मू ओल्ड सिटी और साथ साथ में बाकी बाजार भी जम्मू के जो है सजे हुए हैं, आप देख सकते हैं सब संख्या में जो है लोकल लोग भी बाहर आते हैं और देखते हैं, और सामान मार्केट इतनी खूबसूरत तरीके से सजाई गई है, लोग जो है सामान लेने आते हैं। और लोगों से ये भी अपील है कि 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स लेके ना आए ताकि जो है लोगों को किसी तरह की भी दिक्कत ना आए। ज़्यादा जो है मार्केट में आप लोग पैदल मार्केट में अगर आप थोड़ा सा घूमते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है इंजॉय कर सकते हैं आप। तो आप यही दिखाते हैं आपको थोड़ा सा कुछ और सामान मार्केट में क्या क्या लगा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सामान जो है इसमें मार्केट में मिल रहा है, लोग जो हैं ज़्यादा सामान खरीदे हैं, या आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं दिवाली पे खास करके लोग जो हैं लेने आते हैं और काफ़ी सारा सामान। हालांकि कहीं दुकानों पे चाइनीज सामान मिल रहा है, लेकिन इस टाइम जो है चाइनीज सामान की डिमांड काफ़ी कम है, लोग जो है मिट्टी का सामान भी बेच रहे हैं और फिलहाल लोग जो है ज़्यादातर मिट्टी का सामान ही खरीद रहे हैं, चाइनीज सामान जो है काफ़ी कम है मार्केट में इस टाइम देखने को मिल रहा है। GST की बात करें तो GST से काफ़ी जो है अगर बात करें मार्केट में काफ़ी फ़र्क पड़ा था GST से, लेकिन कहीं ना कहीं दिवाली की अगर बात करें तो दिवाली में काफ़ी कम जो है इस चीज़ का जो है इफेक्ट नज़र आ रहा है, और दिवाली पे आज भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोग मार्केट में आए हुए हैं और मार्केट में सामान ले रहे हैं। तो फिलहाल अगर बात करें इस तरह की जो है तस्वीरें भी लोग जो है दिवाली के दिनों में लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत माता लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की, गणेश जी की मूर्तियाँ और साथ में रामचंद्र जी सह परिवार भी लोग इस तरह की मूर्तियाँ, इस तरह की तस्वीरें ज़रूर जो है दिवाली के दिनों में ली जाती हैं ताकि जो है उनका
दिवाली में पूजा में इस तरह की जो है तस्वीरें भी यूज़ की जाएँ और ली जाएँ। फिलहाल कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे कि दिवाली वो लोग किस तरह से मना रहे हैं। तो फिलहाल दिवाली की बात करें तो दिवाली की इस तरह इस टाइम जो है काफ़ी धूम बनी हुई है मार्केट में, लोग जो है काफ़ी जो है दिवाली में जो है खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप ये बताओ दिवाली किस तरह से मना रहे हैं? कुछ लोग बात करने से, तो फिलहाल अगर बात करें आपका क्या नाम है? शिखा। शिखा आप ये बताइए कि दिवाली किस तरह से मना रहे हैं आप? दिवाली यही फेस्टिवल पे ये शॉपिंग करना, इधर सामान सामून लेना अपना, किसी फेस्टिवल पे छोटा छोटा सामान मम्मा ये वो, और पूजा करते हैं रात को हम, जिसमें उसके बाद पटाखे ये वो बस। तो सही रुको ना, दिवाली किस तरह मना रहे हो माता जी? दिवाली के दौरान ना पूछ रहे मैंने, तो उसकी दसो ना थोड़ा जा, तो डोगरी दसो, कोई गल नहीं डोगरी दसो। हाँ अगर फिर भी चलांदे ते मां प्यो नाल रहना चाहिदा, डर तो हुंदा ही है बच्चियां नूं, पता नहीं हुंदा की करना की नहीं, कि कोई नुकसान हो जाए कि क्या। पहले दी दिवाली ते आज दी दिवाली च कोई फर्क लगदा तुहानूं? के फर्क है, किथे ये चीजां किथे मिलदियां नहीं, पहले मिलदियां किथे? लेकिन लोग ज्यादा चाइनीज लैंदे लाइटां ना, ओही लैंदे लोकां नूं, काफी फर्क है पहले दी दिवाली ते अज दी दिवाली। ए तो है, पैसा चाहिदा लोकां नूं, पैसा आया खर्चे नूं चाहिदा, कोई जिहड़ा कोई नहीं आ वी आ बेचारी। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਅਗਰ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭੀ ਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁਆ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਆਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਬਾਤ ਕਰੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ मार्केट जो है दिवाली से सजी हुई है, और हम लोग आपको महाकवरेज यू फॉर यू वॉइस पे दिखा रहे हैं। जिस तरह से हमने आपको ओल्ड सिटी में दिखाया कि दिवाली में किस तरह से रश है, उस तरह से नई बस्ती इलाका है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश जो है दिवाली पे देखा जाता है, और उस टाइम भी लोग काफ़ी खरीदारी करने में मसरूफ़ हैं। हम आपको इसी तरह से दिवाली की महाकवरेज दिखाते रहेंगे, आप बने रहें यू फॉर यू वॉइस।